जय हिंद। आप देख रहे हैं अनिनू, सच को तो लाए सामने। खबर है मुंबई सांता क्रूज ओकाला के आनंद नगर में महाडा के जगह पर कर्मचारियों की मिली भगत से अवैध निर्माण कार्य करने का मामला सामने आया है। लोकल ठेकेदार को पकड़कर कराया जा रहा है अवैध निर्माण। जब ठेकेदार से पूछा गया तो ठेकेदार ने जवाब दिया कि महाडा के परमिशन की क्या जरूरत, हमें तो सोसाइटी ने परमिशन दिया है। रिपब्लिक पार्टी के विजय चौहान ने किया इस अवैध अतिक्रमण का खुलासा। आइए हम दिखाते एक रिपोर्ट सराज मंसूरी की मुंबई से। अभी हम मौजूद हैं सांता क्रूज ईस्ट के वाकोला में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आनंद नगर का जगह है। इस जगह का नाम है आनंद नगर, वाकोला में मौजूद है ये। अभी यहाँ पे ये जो जगह है ये महाड़ा के अंडर में आता है। महाड़ा की जगह है लेकिन इसको बीएमसी अंडरटेकिंग किया गया है। इसलिए यहाँ पे अभी हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे। बताइए इसके बारे में क्या जी। मैं आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ संविधान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम विजय चौहान है। मैंने इनके बारे में कई बार तकरार किया बीएमसी में और माडा में, और आज माडा का कलेक्टर को तक मैं व्हाट्सएप के थ्रू से वीडियोस और कुछ डॉक्यूमेंटेशन और कुछ डिटेल्स भेजा हूँ। इनके ऊपर एलिगेशन क्यों नहीं होता है? जो कॉन्ट्रैक्टर है माडा के, जो लैंड है, जो लैंड के ऊपर माफिया करके जो कब्जा करके बना के देते हैं, उनका नाम है भीमराव राठौड़ और प्लस राम राठौड़। ये क्या कॉन्ट्रैक्टर है? ये कॉन्ट्रैक्टर है, बाकी कौन है ओनर आई डोंट नो। उनके मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो लीगल दिया गया है माडा का जो अथॉरिटी 450 का एरिया, 450 का एरिया जो दिया है ना वो लीगल है। वो कैसे है कि नीचे ग्राउंड प्लस वन के लिए नीचे 250 फीट और प्लस करेगा तो 200 फीट, दोनों मिला के 450 का एरिया दिया है। और आज वो जगह पे जो बनाते हैं 2000 से लेके 3500, 4000, 5000 तक का स्क्वायर फीट, वो कैसे मतलब कमर्शियल कर दिए गए। जो था उसको कमर्शियल कर दिए गए और इनके ऊपर एक्शन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इसमें ये लोग से पूछने जाएगा तो बोलता है हमारे साथ में कलेक्टर मैडम है। वो कौन कलेक्टर मैडम है उसको हम नहीं जानते। नाम पूछने जाएगा तो नाम नहीं बताते। आपने इसके बारे में ये किया था, कंप्लेंट किया था? जी सर, जी हाँ, मेरे पास कुछ एविडेंस भी है, कंप्लेंट किया हुआ कॉपीज भी है। क्या आश्वासन मिला था आपको? आश्वासन मिला था हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई अब तक हुई नहीं है। यही साइड नहीं है, इसके जो गाला नंबर अभी जो प्रजेंट काम चालू है उसका गाला नंबर रूम नंबर है 38/304 और जो इससे पहले किए थे 33/257, ये दोनों गाला नंबर है। उसके बावजूद उसके बाजू में भी है जो पीछे बाजू में बड़ा गटर आता है। ये माडा की लैंड की जगह पे दूसरा कुछ बनाना चाहिए, रूम्स नहीं। जो रूम तो छोड़ के पीछे बीएमसी प्ले ग्राउंड, पब्लिक स्कूल, ऐसा कुछ माडा का जगह बनाना चाहिए, क्योंकि करोड़ों का यहाँ पे डील होती रहती है। इसमें बहुत से अधिकारी लोग भी मिले हुए हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर लोग हमको बोलते हैं। इसमें बहुत सारा हम लोग, हमारा ऑफिसर ये है, हम पुलिस को फोन करेंगे। अभी तक आपने इतना कम्प्लेंट किया तो इसके लिए आश्वासन आपको क्या मिला है? अभी तक आश्वासन हम लोग कार्रवाई करेंगे यही मिलता है। और देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी लापरवाही है। कंप्लेंट करने के बाद भी सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि हम कार्रवाई करेंगे। आप खुद ही देख सकती है जी सर, जी आपके सामने की बात है, कोई चोरी छिपे तो नहीं है, सामने देख सकते हो। आगे आपका क्या कार्रवाई रहेगा? डॉक्टर से पूछिए क्या कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्टर है तो आपको ये परमिशन किसने दिया है बनाने का? परमिशन किसको देगा? इधर सोसाइटी है, सोसाइटी वाले से लेके बनाते हैं ना, सोसाइटी है इधर। तो टाइटी से परमिशन आपने लिया है, आपको पता है ये महाड़ा की जगह है? तो महाड़ा की जगह है बराबर है, उनको तकलीफ है, पानी भरता है 6 फीट इधर, पानी भरता है, उसके लिए 1+1 बनाते हैं इधर, 1+1 बनाते हैं। ये पूरा ढक करके क्यों बनाया? जब लीगल जगह है तो आप ढक करके क्यों बना रहे? लेकिन ऐसे काफ़ी लोग परेशान करते हैं ना, उसके लिए ढकना पड़ता है। फिर भी आपको परमिशन तो लेना चाहिए ना, जब आपको मालूम है महाड़ा की जगह है तो आपने परमिशन लिया है क्या? परमिशन है ना, यहाँ पे क्या परमिशन नहीं मिलती इधर ऑलरेडी परमिशन नहीं। देखिए ये कॉन्ट्रैक्टर हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बना रहे हैं, ये इनका ही काम, इनको ही काम मिला हुआ है बनाने के लिए, लेकिन इनको इनका कहने का मतलब है परमिशन की क्या जरूरत है, ये हमको सोसाइटी ने परमिशन दिया है तो हम बना रहे हैं, यही कहने का मतलब है आपका? हाँ, सोसाइटी अभी ऑलरेडी है ना, 208 घर है इधर, तो सब ऑलरेडी बनाया हुआ ना इधर, ऑलरेडी बनाया हुआ है। विजय जी 210 मैंने आपको बताया था, 200 घर मतलब 210 का 210 उन्होंने बनाया गया है, 210 उन्होंने बनाया है। ये हमको तकलीफ कुछ नहीं है, हमको है ना बात करने से ये नहीं है, हमको आपसे कुछ तकलीफ नहीं है। हम चाहते हैं माडा की जगह पे कुछ अलग बने, तो ये सब लैंड माफिया मतलब हड़प करने के चक्कर में। अभी आपको उनका मुझसे सुन लिए, 208 हमने बनाए, मैंने आपको 210 का बताया था पूरा आनंद नगर के बारे में। पीछे बड़ा नाला है, नाला को भरनी डाला, मतलब पीछे भी जगह बड़ा नाला है, बहुत कुछ जगह है, वो भी कब्जा किया जा रहा है। झाड़ की कत्ल करके
झाड़ के वो कुछ एविडेंस भी मेरे पास पड़े, झाड़ का फोटोज भी मेरे पास पड़े, उसका कत्ल करके ये लोग बांध काम कंटिन्यू किया जाता है। बस बोलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बाद? झाड़ काटा हुआ मेरे को सबूत दिखाना चाहिए मुझे। सबूत इनके पास पड़ा हुआ है, अभी हमने खुद देखा। दिखाओ ना, दिखाओ उसका सबूत, दिखाओ उसका। झाड़ हम वीडियो शो करता हूँ, एक वीडियो शो करता हूँ जो इससे पहले जो काम किए थे उसका वीडियो से ये आप दिखा सकते हो। मैंने अभी अभी बोरेकर साहब को भी भेजा था, मिलिंद बोरेकर मारा कलेक्टर, उसको मैसेज देखो, मेरा जो कंप्लीट कॉपी है ये आप दिखा सकते हो। एक हो गया, गया साल से मैं 2022 से लेकर कंप्लीट कर रहा हूँ सतत, ये सब कुछ है। और इसमें आपको ये वीडियो देख लीजिए, इससे पता चल जाएगा कि झाड़ कहाँ पे था, अभी झाड़ है क्या, देख सकते हो। नहीं, एक काम करो, सीसीटीवी वाले से कंफर्म कीजिए, सीसीटीवी वाले। देखिए, ये सीधा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको और सामने मकान भी दिख रहा है, यहाँ पे किस प्रकार से महाड़ा की जगह है और बीएमसी अंडरटेकिंग है, उसके बावजूद भी यहाँ के शासन और प्रशासन के लोग आँख बंद करके बैठे हुए हैं और इतना बड़ा घोटाला यहाँ पे चल रहा है। सरकारी जमीन को कब्जा करने की पूरी कोशिश की।